है गाइस, वेलकम टू एजे ब्लॉग्स। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, इस वीडियो में आपको एक दिखाने वाला हूँ मैं कस्टम टेल टेडी, जो सिर्फ और सिर्फ 150 रुपीज़ में बन गया है। आप देख सकते हैं, ये फोल्डेबल है, ये देखिए, आप ऐसे ऐसे भी रख सकते हैं। तो गाइस, आप देख सकते हैं एकदम काम चालू है। तो मैंने क्या किया है, नंबर प्लेट होल्डर जो मैंने बनाया है, ये बहुत ही हैवी है, आप देख सकते हैं। और ये कैसे बनाया है, बेसिकली ये आप देख सकते हैं, ये प्लेट को, ये पत्ती को बैन कर दिया है और इसमें दो होल कर दिया, यहाँ भी दो होल कर दिया। ये बेसिकली आपका जो दरवाज़ा है उसका क्लेम टाइप का है। आपको ये रेडीमेड भी मिल सकता है किसी स्टोर पर, या फिर आप बनवा सकते हैं। इसका कॉस्ट आपको 100 से 200 के आसपास हो जाएगा, मेरा तो 150 पड़ गया ये दो क्लेम के लिए, चार होल्ड कर दिया यहाँ पर। तो आप कर सकते हो यार। इसके बाद आपको क्या चाहिए, इसके बाद आपको ये कलर स्प्रे चाहिए, ब्लैक कलर, देख सकते हैं 39 ब्लैक है। और KTM में जो ब्लैक यूज़ होता है ये 39 ब्लैक होता है, और ये जो ऑरेंज है आपका, ये भी 39 ऑरेंज ही होता है, इसीलिए दूसरा ऑरेंज यहाँ पर मैच नहीं करता है। तो अभी फ़िलहाल मुझे ब्लैक ही चाहिए ये। यहाँ पर मैंने और भी एक चीज़ फिक्स किया है, ये बाद में आपको दिखा दूँगा वीडियो में। तो गाइस, आप देख सकते हैं पूरा कवर अप कर लिया है, ये कैलेंडर का यूज़ किया है, आप चाहे तो न्यूज़पेपर का यूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं। और ये डोरमेट यहाँ पर टायर के ऊपर लगा दिया है, इसे कहते हैं जुगाड़। आप देख सकते हैं पूरी तरह से कवर अप हो चुका है, कलर के लिए रेडी है। अभी मौसम भी ठीक नहीं है, तो अभी हम कलर करते हैं। बाइक का मॉडिफिकेशन तो आप पहले देख चुके हैं, ये ऑरेंज और वाइट में काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था ये फुटरेस्ट मैंने कैसे बनाया है, इसके बारे में आपको बता चुका हूँ, और ये क्रैश कैट के बारे में भी आपको बता चुका हूँ। और ये फुल सिस्टम एक्रोबिक एग्जॉस्ट भी लग चुका है, इसका साउंड आप पहले भी सुन चुके हैं। तो इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ ये कस्टम टेल टेडी, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है पीछे से, ये साइड से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसमें मैंने इंडिकेटर्स नहीं लगाया है, क्योंकि इंडिकेटर्स अच्छा नहीं लगता है मुझे पीछे, क्योंकि मेरा ऑलरेडी इंडिकेटर्स यहाँ पर है, तो मैंने इंडिकेटर नहीं लगाया। अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं इंडिकेटर, या फिर और एक होल करके। तो आप देख सकते हैं ये फोल्डेबल है, ये देखिए, आप ऐसे ऐसे भी रख सकते हैं जब आपको ज़रूरत पड़े, ऐसा सिचुएशन हो जब आपको चाहिए एकदम नीचे, तब ऐसे भी रख सकते हैं, आप ऐसे भी रख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, फोल्डेबल है, ये देखिए। तो इसमें काफ़ी सारा मॉडिफिकेशन कर चुका हूँ मैं।